क्या चाल। और ये है बोट का स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 650, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता है। और फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करने के पहले इसके जो कुछ फीचर्स के बारे में देखते लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑक्स केबल का सपोर्ट देखने मिल जाता है, पावर पैक्ड HD इमर्सिव ऑडियो देखने मिल जाती है, 7 घंटे का प्लेबैक टाइम देखने मिल जाता है, 1800 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, ब्लूटूथ 4.2 वर्जन का सपोर्ट देखने मिल जाता है, मल्टी फंक्शन कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, IPX5 वाटर रेसिस्टेंट देखने मिल जाता है, यानी कि वाटरप्रूफ है। साथ ही में यहाँ पर आपको स्लिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है बोट स्टोन का स्पीकर का डब्बा देखने मिलता है। तो फटाफट से इसका अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इस तरीके की इसकी अनबॉक्सिंग देखने मिलती है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। और अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो डिज़ाइन बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर इसके अंदर जो है दो स्पीकर लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया सा जो है साउंड देते हैं। और इसको मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। काफ़ी हेवी है, अगर आपने इसको किसी को फेंक के मारा तो आदमी वहीं मर जाएगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पीकर देखने में मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो स्पीकर की कुछ इस तरह की क्वालिटी काफ़ी हेवी और काफ़ी बढ़िया सा इसका जो साउंड है, मैंने इसको चेक किया था। यहाँ पर आपको जो कुछ पावर बटन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको कंट्रोल मेन्यू देखने मिल जाते हैं, बाजू में यहाँ पर आपको जो चार्जिंग स्लाइड देखने को मिल जाता है। अब वापस से चलते हम कंटेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका पीछे का डब्बा देखने मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने मिल जाती है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ऑक्स केबल देखने मिलती है, डाटा केबल देखने को मिलती है, जो कि इसको चार्जिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इसकी यूज़र मैनुअल गाइड देखने मिलती है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका वारंटी कार्ड, जो कि आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। आप इसको जो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो तो उसको वहाँ से आप जो वारंटी आप इसकी जो क्लेम कर सकते हो। अब वापस से चलते हैं हमारे बोट के स्पीकर की ओर, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता है। और ये स्पीकर 2000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट स्पीकर देखने मिलता है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस किया है। हालांकि ये मेरा स्पीकर नहीं, मेरे दोस्त ने बुलवाया है, तो उसने मुझे जो रिव्यू यूनिट के लिए ये मुझे दिया है। और काफ़ी बढ़िया सा जो मुझे स्पीकर लगा है, 2000 रुपये के अंदर के प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्पीकर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसका जो साउंड है, जो इसकी जो क्वालिटी और जो इसका ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको स्पीकर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते, तो ये जो बोट का स्पीकर देखने को मिलता है, ये 650 यहाँ पर आपको मॉडल देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने मिलती है, जो कि ये ट्राइपॉड माउंट के लिए जो है छेद दिया गया है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको ये वाटरप्रूफ देखने को मिलता है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर लग जाता है तो ये ख़राब जल्दी नहीं होगा। और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आजू बाजू में जो है सॉफ्ट यहाँ पर जो है टॉप देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के हैं। और यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप बोल सकते हो मल्टी फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्ले पॉज का, आगे और पीछे बढ़ाने का यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप ऑक्स केबल भी लगा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी। इसको आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट और मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में आप यहाँ पर जो ऑक्स केबल भी लगा सकते हो। तो ये तो रही इसके ओवरव्यू की बात। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पीकर देखने को मिलता है। अब फटाफट से हम इसको चालू करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाता है। इसको थोड़ी देर दबा के रखता हूँ तो देख सकते हैं कि नीचे साइड में ये चालू हो गया है। अब मैं इसको फटाफट से पेयर कर लेता हूँ मेरे स्मार्टफोन के साथ, उसके बाद मैं आपको इसका साउंड मैं सुना के बताता हूँ। सो गाइस, इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने जो पेयर कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोट स्टोन 650 नाम से लिखा आ रहा है। इसको पेयर कर लिया और फटाफट से हम जो इसको एक गाना सुन के देखते हैं, जो कि आपको NCS पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आपने सुना इस तरीके का आपको यहाँ पर साउंड देखने मिल जाता है। ये इसको मैंने जो है मैक्सिमम वॉल्यूम पर जो करके रखा है। हालांकि इसकी बैटरी अभी थोड़ी सी लो है, लेकिन अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो तो यहाँ पर जो काफ़ी अमेजिंग साउंड देता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेस बूस्टर देखने को मिल जाता है। बस इसके अंदर आपको एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर इसको आप एकदम मैक्स वॉल्यूम पर बजाते हो तो ये थोड़ा सा जो है क्रीकी टाइप का साउंड करता है। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा झनकार सुनाई देती है, जो कि फटने की आवाज़
समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब फटता है थोड़ा सा स्पीकर आपको महसूस होगा अगर आप इसको फुल साउंड पे बजाओगे। हालांकि इसके अलावा इसके यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को मिलती नहीं है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लगातार आप इसको 7 घंटे तक बजा सकते हो। यहाँ पर आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो 2000 रुपये के अंदर ये काफ़ी बढ़िया ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बोट एक जो एक इंडियन कंपनी है उसकी तरफ से आपको एक काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो है 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके 3 कलर देखने को मिलते हैं, जो कि ब्लू, रेड और ब्लैक। तो इसका ब्लैक कलर जो काफ़ी मुझे डॉप और काफ़ी कूल लगा, तो मैंने इसका ब्लैक कलर जो बुलाया है, जो कि इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा साउंड भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको 1 पॉइंट कम करके बजाओगे ना तो काफ़ी अच्छा साउंड जो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको इसके अंदर जो है मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो अगर आप 2000 रुपये के अंदर काफ़ी बढ़िया सा ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हो, परचेस करने की सोच रहे हो, तो आप इसको जो जरूर से परचेस कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, मैंने इसको जो है परचेस किया खुद से, और यहाँ पर जो है इसकी लिंक भी मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर, चैनल को मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।